हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास में हिंदी व्याकरण से के अंतर्गत मैं आप लोगों को पाठ दो वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार देखिए, भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां है। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में, कोई भी भाषा हो, सभी भाषा में कुछ चिन्ह बनाए हैं। इन्हीं उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को फल लिखना है, तो फल के लिए पहले आप लोग फल शब्द की रचना किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपको फल लिखना है ना, तो फल शब्द की रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फा, फा के नीचे हलन, हलन क्या दर्शाता है, इसमें आस्वर नहीं जुड़ा है। फिर छोटा, फिर ला, ला के नीचे भी हलन मैंने लगाया, इसका अर्थ हो गया कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर इस तरह होकर हो जाएगा फा आ, ला आ बराबर फल। तो ये है फल शब्द की रचना। इस तरह प्रत्येक शब्द की रचना होती है। प्रत्येक ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत बने हैं। इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो प्रमुख बिंदु है, प्रमुख आधार है, उसे ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। हम जब मुख से बोलते हैं तो उसे लिपिबद्ध किया जाता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। इसीलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। फिर देखिए वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध मेल को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि व्याकरण शास्त्र में वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया, लिखा गया, उसी तरह के वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अव्यवस्थित तरीके से लिखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं कहलाता है। वर्णों का वह समूह जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है वह ही वर्णमाला कहलाता है। फिर देखिए हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो इस तरह हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है स्वर और व्यंजन वर्ण। इसमें आप लोगों के स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष का अर्थ होता है छोटा, कम समय वाला। तो इसमें हर्ष स्वर में आपके छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, इस तरह चार वर्ण आते हैं, चार स्वर आते हैं ना। इसे बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दो गुना समय लगता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ए, ओ, ये सात आते हैं। और सात और चार मिलकर पूरे ग्यारह स्वर हो जाते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, न, अब और अहा आपका न स्वर है न व्यंजन है, इसीलिए इसे अयोगवाक कहा जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वर को विस्तार रूप में। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से जिस पर किसी का बंधन न हो, किसी का उसे सहारा न लेना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें जो है स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहारे से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है।
हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। वो है इस प्रकार, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब आपका अयोग हुआ है, फिर आपका व्यंजन, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन वर्ण के साथ हरस आ छोटा, ये जो है हर व्यंजन वर्ण के साथ मूल रूप से जुड़ा होता है ना, इसे ये जो है आपका मूल स्वर भी है, यह हर व्यंजन वर्ण के साथ मूल रूप से जुड़ा होता है, बिना इसके व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। हिंदी भाषा में कुल 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं जो का से लेकर हा तक होते हैं। ये है आपका व्यंजन वर्ण। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, देखिए आपको ये सारा वर्ग कॉपी में करना है, उसके बाद होमवर्क भी करना है, समझ में आया? चलिए पहले देखिए, मैंने हेडिंग डाला है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो ध्वनि है उसका जो लिखा हुआ स्वरूप है वही वर्ण कहलाता है। फिर दूसरा है वर्णमाला ना, जैसे आप मोतियों की माला बनाते हैं, फूलों का हार माला बनाते हैं, उसी तरह वर्णों की माला होती है जो व्यवस्थित क्रमबद्ध और देखने में व्यवस्थित हो, सुंदर हो, उसे ही वर्णमाला कहेंगे। अव्यवस्थित और अव्यवस्थित रूप से लिखी गई जो है वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं कहलाएगा। देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, जैसा कि व्याकरण शास्त्र में दिया गया है उसी तरह, न पहले स्वर उसके बाद व्यंजन वर्ण न, तो इस तरह जो जैसे व्याकरण शास्त्र में दिया गया उसी तरह क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका वर्ण के भेद। वर्ण के भेद यानी प्रकार, भेद का अर्थ होता है प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया, वो है पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ये हो गया आपका वर्ण के भेद। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। अब आ जाइए वर्ण के भेद में, इसके फर्स्ट पॉइंट स्वर पर, स्वर पर आ जाइए। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी के सहारे, बिना किसी सहयोग से जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी यन वर्ण की सहायता यानी मदद से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अंडरलाइन करिएगा, जो मेन पॉइंट है उन सबको आप लोगों को अंडरलाइन करना है ना। कहते हैं हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर से मैं बता रही हूँ। चलिए बोले आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इस तरह आपके हो गए 11 स्वर। देखिए आपके स्वर तो 11 है ना, लेकिन इनकी मात्राएं केवल 10 होती है। कितनी होती है स्वरों की मात्राएं? केवल 10 होती है। इनमें जो आ स्वर है, हरस आ, यह हर स्वर के व्यंजन के साथ जुड़ता है लेकिन यह दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर एक बड़ा आ स्वर व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तो यह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? देखिए अब मान लीजिए आपको लिखना है का, अगर इसके नीचे हलंत मैंने लगा दिया, इसका अर्थ हो गया कि इसके साथ हरस आ मूल स्वर आ नहीं जुड़ा है। जोड़ने के लिए मैंने इसे देखिए प्लस आ किया, इक्वल बराबर हो गया का। अब इसके नीचे से हलंत हट गया ना, हट गया, तो ये हो गया का। तो यह आ जो है का के साथ दिखाई पड़ रहा है बच्चों? नहीं दिखाई पड़ रहा ना। अब देखिए इसके बाद जो स्वर है बड़ा, इसको मैं छोड़ती हूँ, देखिए दिखाई दे रहा का प्लस बड़ा। अब बड़ा आ का मात्रा क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है? ये ना, ये हो गया। अब देखिए ये दिखाई दे रहा बंटू का पर आ की मात्रा दिखाई दिया ना, लेकिन जब इस का के साथ आ जोड़ा गया नहीं दिखा, लेकिन बड़ा का जोड़ा गया दिखा गया, दिखाई दिया ना बच्चों। तो ये है स्वर 11 होते हैं लेकिन उनकी मात्राएं केवल 10 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। आईएएस पीसीएस किसी भी एग्जाम में आप
तो या छोटी सी चीज आपसे अवश्य पूछी जाएगी कि स्वरों की कितने मात्राएं होंगी। होती है आपसे कि स्वर 11 होते तो 11 मात्राएं भी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वर 11 है लेकिन उनकी मात्राएं 10 होती है। जैसे काका की कु के कह को कौ, अब और आहा को आप लोग बिल्कुल ही स्वर में नहीं जोड़ेंगे, ना यह स्वर होती है और ना ही यह व्यंजन होती है। तो देखिए अब आप आ जाइए व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर को किसी वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, लेकिन व्यंजन किसके ऊपर आश्रित होता है उच्चारण होने के लिए? स्वर पर। तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण आपको लिखना है प्रश्न तीसरे के आंसर में, याद भी करना।